हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है। आपको बता दें, उन्होंने प्रदेश के लिए 58,444 करोड़ रुपए का बजट सामने रखा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बजट को आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है, लेकिन इस बजट को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के इस बजट को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि बजट में फिर से झूठ बोलने और लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि जब सरकार को पुराना बजट ही पढ़ना था तो इस बजट सत्र की आवश्यकता ही क्या थी। यह दुखद है कि मुख्यमंत्री झूठ बोलने की परिपाटी को सरकार में भी जारी रखना चाहते हैं। बजट में उम्मीद थी कि सरकार अपनी गारंटियों पर भी विचार करेगी, पूर्व बजट में घोषित नौकरियों की बात करेगी, लेकिन इनका जिक्र तक नहीं आया। 22,40,000 से ज्यादा महिलाएं आज तक अपनी 1500 रुपए का हक मांग रही हैं। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि इस बजट में आम आदमी की उम्मीदों को तो छोड़ दीजिए, सरकार में मंत्री रहे बड़े बड़े नेताओं की मांगों और सुझावों को भी अनदेखा किया गया। आज हिमाचल में चाहे लोगों के पीठ का बोझ उतारना हो या पर्यटकों को प्रदेश में लाना, इसके लिए सड़कों की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि इस बजट में सड़कों के निर्माण और रख रखाव का भी ध्यान नहीं रखा गया। क्या इसी तरह के बजट से हिमाचल को सशक्त बनाया जा सकता है? इस बजट में ना दिशा है और ना ही दूरदर्शिता। सरकार ने 10 विजन की बात की है, लेकिन उसके लिए बजट और प्लान का जिक्र तक नहीं है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बजट सरकार की साख होती है, जुबानी जमा खर्च नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार नई शराब पॉलिसी लाई और 40% के लाभ की बात की थी, अब तो आंकड़े भी आ गए हैं। सरकार के आंकड़ों से यह साफ हो गया है कि सरकार ने झूठ बोला और एक्साइज को लाभ के बजाय नुकसान पहुंचाया। इस सरकार ने इस पॉलिसी के जरिए कुछ ठेकेदारों को ही लाभ पहुंचाया है। इस वित्तीय वर्ष में ठेकेदारों द्वारा शराब की लिफ्टिंग भी घटी है। सरकार किसी भी विभाग को सुचारू रूप से चलाने में नाकाम है। इसी के साथ उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने आज दूसरा बजट प्रस्तुत किया है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जिस प्रकार से बजट में फिर से झूठ बोलने का प्रयत्न किया है, लोगों को गुमराह करने का प्रयत्न किया है, मैं मानता हूं कि अब की बात इसमें वो सफल नहीं होंगे। देखिए, झूठ बोलने की ये सारी बातें बार बार इस प्रकार से करना, लोगों का भरोसा टूट चुका है। लोग विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे। सत्ता में आने से पहले झूठ बोला, झूठी गारंटियां दे करके, गारंटी पूरी नहीं हुई। फिर सत्ता हासिल हुई तो पहला बजट प्रस्तुत किया, जो घोषणा की उनमें से 95% जो योजनाएं उनने घोषणा की ही, जो वादे उनने किए थे पहले बजट में, उनमें से कुछ काम हुआ ही नहीं। और उसके बाद अभी हाल ही में इस बजट में जो मुख्यमंत्री जी फिर से झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने की दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छी तरह से मालूम है कि लोकसभा का चुनाव आने वाले समय में है, तो लोकसभा के चुनाव से पहले फिर झूठ बोल करके गुमराह किया जाए, तो मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता इसको सिरे से नकारेगी, सिरे से खारिज करेगी। सबसे बड़ी बात तो यही कहूँगा मैं कि हिमाचल प्रदेश में इस बजट में किसी भी वर्ग के लिए कोई राहत नहीं है। कर्मचारियों की अगर बात करते हैं, कर्मचारी हितैषी की बात उन्होंने कही, अभी तक इस बजट में कोई उस बात का जिक्र नहीं है। ओपीएस की बात कहते कहते अपने आप वो उसमें उलझ करके रह गए कि ओपीएस में अब आने वाले समय में जिक्र आज बजट में नहीं किया है, लेकिन हकीकत है इस बजट के बाद जब लोकसभा का चुनाव होगा, जो ओपीएस के लोगों को भी निराशा इसमें हाथ लगने वाली है, क्योंकि 50% लास्ट पे ड्रॉन के जो पेंशन की उनकी एक सुविधा है उसको कम करने की दिशा में प्रयत्न चल रहा है। मैं ये बड़ा साफ कह रहा हूँ, उसको 30% करने की दिशा में चीज़ें चल रही हैं। और दूसरी बात, क्या ये सत्य नहीं है कि जहाँ पूरा साल वो कोसते रहे हिमाचल प्रदेश में पूर्व सरकार को कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने ऋण लिया,
आपने तो हिमाचल प्रदेश में ऋण इस कदर लिया कि तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 14 महीने में 14,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया, जिसको खुद उन्होंने आज स्वीकार किया अपने बजट में, अपने बजट स्पीच में भी। इसके अलावा आगे बढ़ कर के हम इस बात को अगर देखें, आज आप बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि MSP हम आपने दूध के लिए सुनिश्चित कर दी। अरे आपने वादा तो ये किया था कि गाय का दूध 100 रुपये लीटर और गाय का दूध 80 रुपये लीटर और भैंस का दूध 100 रुपये लीटर, लेकिन अभी जो पिछली घोषणा की है उसके हिसाब से दूध की कीमतें अभी तक मिल नहीं रही है। आज आपने फिर घोषणा कर दी कि 45 रुपये लीटर गाय का दूध और 55 रुपये भैंस का दूध, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। लेकिन घोषणा करने के बाद मेरा मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए भी आग्रह है कि कम से कम उनको लागू भी करो, उनको उस दिशा में आगे बढ़ाने के भी प्रयत्न करो। आपने हिमाचल प्रदेश में हजारों संस्थान चले हुए, खुले हुए संस्थान बंद किए हैं, उसके लिए कोई आपने जिक्र नहीं किया। आपने हिमाचल प्रदेश में इस बात के बारे में कोई जिक्र नहीं किया कि आपने रेवेन्यू जनरेट करने के रास्ते क्या होंगे। अब बातें तो कह रहे हैं आपकी, हमारा एक्साइज पॉलिसी के अंतर्गत हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा इंक्रीज आ रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? 10% और 11% की ग्रोथ तो हर साल पहले भी आती थी, अब की बार वो 12% तक आ गई है, 12% से ऊपर जा नहीं रही है। और ऐसी सूरत में लोगों को फिर झूठ बोलने की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं होगा। आपने फिर योजनाओं की शुरुआत की है, सुखाश्रय पहले शुरू की थी, उसमें भी लोगों के बीच में एक हास्य का विषय बना कि अपने नाम के साथ योजना जोड़ दी, और आज और योजनाओं का भी जिक्र किया है, और जिसमें आपने एक सुख आरोग्य योजना का जिक्र किया है, सुख शिक्षा योजना का जिक्र किया है, फिर अपने नाम के साथ योजनाओं का जिक्र करने से लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता है जब तक योजनाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए काम ना किया जाए। और इसके अलावा आपने कुछ वर्ग के लिए जो घोषणा की है, वो घोषणा मात्र इसलिए किए हैं कि ठीक इस बजट के बाद लोकसभा का चुनाव है, और लोकसभा के चुनाव आने की वजह से आपको लग रहा है कि अब लोगों को गुमराह करना चाहिए, लोगों को फिर से उस प्रकार से जिस प्रकार से आप सफल हो गए पहली बार हिमाचल प्रदेश में पिछली बार झूठी गारंटी दे करके सरकार बनाने में। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भरोसा टूट चुका है, विश्वास टूट चुका है, अब बार बार झूठ बोल करके आप लोगों का विश्वास नहीं जीत सकते हैं, अब के बार आपको सारी चीज़ को लेकर के ये झेलना पड़ेगा। और मैं दूसरी बात इसके साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में इस बजट में गरीब लोगों के लिए क्या राहत दी आपने? आपने हिमाचल प्रदेश में एक बात का जिक्र किया है, आपने जिक्र किया कि हमने आपदा में बहुत बड़ा पैकेज दिया जो देश में किसी राज्य में नहीं, मात्र घोषणा करने से पैकेज की बात पूरी होती है क्या? आप हकीकत में देखिए कि जमीन में क्या पात्र व्यक्तियों को वो राहत मिली है क्या? कितने लोगों को मिली? चुनिंदा लोगों को मिली है। आज भी जो लोग घर बेघर हुए पड़े हैं आपदा के कारण, अभी तक उनके केसेस ही नहीं बन पाए हैं, उनको राहत मिली नहीं। और आप चुन चुन करके राहत अगर दे रहे हैं तो अपने पार्टी के, अपने दल के लोगों के लिए दे रहे हैं, इस बात को लेकर के भी कोई बात छिपी नहीं है, आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं। इसलिए मैं आपके आज के इस बजट को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज प्रस्तुत किया है, उस बजट को सिरे से खारिज करता हूँ। बेरोजगार सड़कों पर धरने पर बैठे हैं, आउटसोर्स कर्मचारी जो नौकरी पर लगे थे नौकरी से निकाल करके वो धरने पर बैठे हैं, कर्मचारी समय पर सैलरी ना मिलने वाले हैं, चाहे वो HRTC है, चाहे वो HPTDC है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहे सहारा समय डिजिटल।